इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से तीन भागों में बांटा जाता है। पहला पाक इतिहास, जिसका कोई लिखित अवशेष न मिला हो। दूसरा आद्य इतिहास, जिसमें लिखित अवशेष तो मिले पर वो पढ़ने योग्य नहीं थे। तीसरा ऐतिहासिक, जिसके पढ़ने योग्य लिखित अवशेष मिले थे। प्राचीन भारत को पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा 16 महाजनपदों में विभाजित किया जाता है। पाषाण युग, पाषाण युग को तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला पुरापाषाण अथवा पूर्व पाषाण, दूसरा महापाषाण अथवा मध्य पाषाण, तीसरा नवपाषाण। पुरापाषाण युग के लोग होमो सेपियंस अर्थात ज्ञानी मानव कहलाए। इनका उद्भव 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में मुख्य भोजन नाशपाती और कंदमूल था। कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। महापाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ। मनुष्य ने पशुओं के मांस खाने शुरू किए। इस युग के औजार पत्थरों के बने होते थे। नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ। यातायात के लिए बैलगाड़ी तथा मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए। पशुपालन और कृषि की शुरुआत हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। कपास की खेती शुरू हुई, जिससे सूती वस्त्र बनने लगे। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु को प्रयोग में लाया गया। कांस्ययुगीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता के समय में ही भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यह सभ्यता वर्तमान सिंधु नदी के किनारे स्थित थी और सिंधु नदी का प्राचीन यूनानी नाम इंडस था। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक परिदृश्य, सिंधु निवासी कृषि से जुड़े थे। मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। वे कृषि के साथ पशुपालन भी करते थे। बैल, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालतू बनाया गया था। अन्नागार बनाकर अन्न का भंडारण किया जाता था। वस्तु विनिमय व्यापार का मुख्य माध्यम था। विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने ही कपास की खेती प्रारंभ की। यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा है। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक परिदृश्य, समाज को मुख्यतः चार वर्गों में बांटा गया था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। मातृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था। जुआ खेलना, शिकार करना तथा नृत्य संगीत इत्यादि मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। शाकाहार तथा मांसाहार दोनों तरह के भोजन का प्रचलन था। शवों को जलाने तथा दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक परिदृश्य, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी तथा देवता दोनों की पूजा करते थे। वृक्ष पूजन तथा नाग की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मंदिर के अवशेष यहाँ नहीं मिले हैं, फिर भी मातृदेवी की उपासना के साथ साथ कुबर वाला सांड लोगों में विशेष पूजनीय था। लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक परिदृश्य, लोगों का मुख्य पेशा शिल्प एवं उद्योग था। कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्रा निर्माण तथा आभूषण निर्माण प्रमुख उद्योग धंधे थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। बेलनाकार आकृति युक्त मुहर से यह ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया तथा सिंधु प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंध थे। अफगानिस्तान से टीन, सोना, चांदी, सीसा तथा नीले रत्न का आयात किया जाता था। ईरान से टीन और सीसा का आयात होता था। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौरावीरा, चनहुदरो, कोटदीजी, रंगपुर, रोपर, लोथल तथा बनवाली हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा माधेराव वत्स ने की थी। यह सभ्यता रावी नदी के किनारे अवस्थित है। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ पर प्राप्त साक्ष्यों में
मुहरों पर एक श्रृंगी पशु तथा तांबे की इक्कागारी प्रमुख है। हड़प्पा की लिपि भावचित्रात्मक है, यह दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो के सभ्यता की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यहां से प्राप्त साक्ष्यों में तीन मुख वाले देवता अर्थात पशुपतिनाथ, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, विशाल अन्नागार तथा स्नानागार प्रमुख हैं। यहां पर मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिलने के कारण ही इसे मोहनजोदड़ो कहा जाता है। चन्हुदड़ो, इसकी खोज एमजी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहां से प्राप्त साक्ष्यों में मनका अर्थात मोती बनाने के कारखाने के अवशेष प्रमुख हैं। कालीबंगा, इसकी खोज बीवी लाल एवं बीके थापर ने 1953 ईस्वी में की थी। यह घग्घर नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में यह जगह राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। यहां से प्राप्त साक्ष्यों में काली चूड़ियों के अवशेष, जुते हुए खेत के अवशेष तथा कच्ची नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई थी। कोट दीजी, इसकी खोज फजल अहमद ने 1953 में की थी। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान के खैरपुर में स्थित है। यहां से प्राप्त साक्ष्यों में पत्थर के बानाग्र प्रमुख हैं। रंगपुर, इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में की थी। यह मादर नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में यह जगह गुजरात के कठियावार में स्थित है। यहां पर चावल के अवशेष प्राप्त हुए। रोपर, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-56 के बीच की थी। यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में यह जगह पंजाब के रोपर में स्थित है। यहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले थे। लोथल, इसकी खोज भी रंगनाथ राव ने 1957-58 में की थी। यह गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में यह जगह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यहां से सबसे बड़ी जहाजों की गोदी अर्थात डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला। घोड़े की नाल तथा चावल के अवशेष भी यहां से मिले। बनवाली, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में की थी। यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यह जगह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहां से प्राप्त साक्ष्यों में मिट्टी के खिलौने, हल तथा जौ प्रमुख हैं। धौरावीरा, यह गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहां पर सामाजिक संगठन के होने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न एक, हड़प्पा के लोग निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे? ए जौ, बी कपास, सी मुद्राएं, डी कांसे की वस्तु। सही उत्तर है बी कपास। अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे। प्रश्न दो, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से शतरंज के पाशे के नमूने प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रोपर। सही उत्तर है ए हड़प्पा। प्रश्न तीन, निम्न में से किस संस्कृति के लोगों ने अपने मृद भांडों के सर्प को सर्वप्रथम चित्रित किया? ए ताम्रपाषाण, बी लौह युग, सी मध्यपाषाण, डी नवपाषाण। सही उत्तर है ताम्रपाषाण। प्रश्न चार, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अपने विशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी रंगपुर, डी लोथल। सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न पांच, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पत्तन अर्थात बंदरगाह कौन सा शहर था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सही उत्तर है डी लोथल। प्रश्न छह, सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः कैसी थी? ए शहरी, बी कृषि प्रधान, सी आदिम, डी धार्मिक। सही उत्तर है ए शहरी,
इस सभ्यता के लगभग सभी क्षेत्रों में शहरी बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रश्न 7, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? ए नगर नियोजन, बी कृषि संबंधी कार्य, सी उद्योग धंधे, डी तांबे का प्रयोग। सही उत्तर है ए नगर नियोजन। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा आहार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार था? ऑप्शन ए मछली, बी मांस, सी चावल, डी गेहूं। सही उत्तर है गेहूं, डी। प्रश्न 9, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भंडार गृह का अवशेष कहां प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। सही उत्तर है हड़प्पा। प्रश्न 10, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु को सबसे अधिक उकेरा गया है? ए हाथी, बी घोड़ा, सी बैल, डी कुत्ता। सही उत्तर है सी बैल। प्रश्न 11, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी लोहा। सही उत्तर है डी लोहा। प्रश्न 12, निम्न में से किस फसल का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी दाल, सी गेहूं, डी जौ। सही उत्तर है बी दाल। प्रश्न 13, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन ए पर्यटन विभाग, बी वन विभाग, सी संस्कृति परिषद, डी मानव संसाधन विकास विभाग। सही उत्तर है सी संस्कृति परिषद। प्रश्न 14, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1960 में, बी 1961, सी 1962, डी 1965। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1961। प्रश्न 15, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक चौड़ी सड़क राजपथ की चौड़ाई कितनी थी? ऑप्शन ए 5 मीटर, बी 10 मीटर, सी 15 मीटर, डी 25 मीटर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 मीटर। प्रश्न 16, आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? ऑप्शन ए पाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी मध्य पाषाण काल। प्रश्न 17, किस नवपाषाण युगीन स्थल से मनुष्य के साथ कब्र में कुत्ते को भी दफनाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कोलडीहवा, ऑप्शन बी गुफकराल, ऑप्शन सी बुरझोम, ऑप्शन डी सराय नाहर। सही उत्तर है ऑप्शन सी बुरझोम। प्रश्न 18, सैंधवकालीन मोहरों से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए पशुपालन की, बी लिपि तथा धर्म की, सी आर्थिक जीवन की, डी कृषि की। सही उत्तर है ऑप्शन बी लिपि तथा धर्म की। प्रश्न 19, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पकी मिट्टी के पाइप वाली नालियों के प्रयोग के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी चंद्रहुद्रो, डी लोथल। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रहुद्रो। प्रश्न 20, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली हैं? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रोपर, डी मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है ऑप्शन ए लोथल। प्रश्न 21, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवन कहां स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में, डी महाराष्ट्र में। सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात में। प्रश्न 22, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस स्थल से पकी मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। सही उत्तर है ऑप्शन ए बनावली। प्रश्न 23, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस स्थल से
तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी लोथल। प्रश्न 24। हड़प्पा लिपि निम्न में से किस लिपि से सबसे ज्यादा मिलती जुलती है? ऑप्शन ए द्रविड़ लिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए द्रविड़ लिपि। प्रश्न 25। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा से, बी लोथल से, सी बनावली से, डी रंगपुर से। सही उत्तर है ऑप्शन सी बनावली से। प्रश्न 26। सैंधव सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोथल, बी बनावली, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। सही उत्तर है ऑप्शन सी कालीबंगा। प्रश्न 27। निम्न में से कौन सा नगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की लंबाई और चौड़ाई 250 हेक्टेयर थी। प्रश्न 28। सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात कहां से करते थे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र से, बी कर्नाटक से, सी अफगानिस्तान से, डी ईरान से। सही उत्तर है ऑप्शन टी ईरान से। प्रश्न 29। किस इतिहासकार द्वारा भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन डी रंगनाथ राव। सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉन मार्शल। प्रश्न 30। सिंधु सभ्यता के लोग संगमरमर पत्थर का आयात कहां से करते थे? ऑप्शन ए फारस से, बी अफगानिस्तान से, सी राजस्थान से, डी कर्नाटक से। सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान से। प्रश्न 31। सिंधु सभ्यता के लोग फिरोजा का आयात कहां से करते थे? ऑप्शन ए कर्नाटक से, बी ईरान से, सी महाराष्ट्र से, डी मध्य एशिया से। सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य एशिया से। प्रश्न 32। निम्नलिखित में से किस स्थान से लकड़ी की नालियां मिली हैं? ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी रंगपुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी कालीबंगा। प्रश्न 33। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य की मूर्ति मिली है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। प्रश्न 34। निम्न में से किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी रंगपुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए कालीबंगा। प्रश्न 35। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कितने स्थलों का उत्खनन हो चुका है? ऑप्शन ए 1000, बी 1200, सी 1400, डी 1600। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1400। प्रश्न 36। सिंधु निवासी निम्न में से किसकी उपासना नहीं करते थे? ऑप्शन ए विष्णु की, बी मातृदेवी की, सी नाग देवता की, डी स्वास्तिक चिन्हों की। सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णु की। प्रश्न 37। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थल से बुना हुआ कपड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी रंगपुर। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न 38। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से
किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? ऑप्शन ए सूर्य देवता, बी नाग देवता, सी पशुपति शिव, डी अग्नि देवता। सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्य देवता। प्रश्न 39, सिंधु सभ्यता का विस्तार किस प्रकार है? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, बी वृत्ताकार, सी वर्गाकार, डी आयताकार। सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिभुजाकार। प्रश्न 40, निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है? ऑप्शन ए आग से भोजन पकाना, ऑप्शन बी तांबे का प्रयोग, ऑप्शन सी मृद भांड बनाना, ऑप्शन डी प्रारंभिक कृषि संस्कृति। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रारंभिक कृषि संस्कृति। प्रश्न 41, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस युग से संबंधित है? ए प्रागैतिहासिक युग, बी ऐतिहासिक युग, सी आद्य ऐतिहासिक युग, डी नवपाषाण काल। सही उत्तर है ऑप्शन सी आद्य ऐतिहासिक युग। प्रश्न 42, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए शिलालेख, बी पुरातात्विक खुदाई, सी मुहरे, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरातात्विक खुदाई। प्रश्न 45, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बी मकान पक्की ईंटों से निर्मित थे, सी जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी, ऑप्शन डी मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। सही उत्तर है ऑप्शन डी मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे।